जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात यह है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत, तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में, आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी, और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में। इंग्लैंड क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया है। 2019 में 50 ओवर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप पर कब्जा जमा लिया है। इंग्लैंड की इस जीत के बाद पाकिस्तानी फैंस बेहद बुरे हाल में हैं। उनकी 1992 वाली थ्योरी भी धरी की धरी रह गई है। अक्सर बढ़ चढ़कर कमेंट करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की हार के बाद एक ट्वीट किया, जिस पर टीम इंडिया के स्टार मोहम्मद शमी ने ऐसा जवाब दिया है कि शोएब ट्रोल हो गए। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की हार देख टूटे हुए दिल वाला इमोजी शेयर किया, जिस पर रिप्लाई देते हुए मोहम्मद शमी ने टूटे दिल का इमोजी बनाया और लिखा, सॉरी ब्रदर, इसे ही कर्म कहते हैं। मोहम्मद शमी ने शोएब अख्तर के कमेंट पर इसलिए जवाब दिया है क्योंकि शोएब और पाकिस्तान की तरफ से भारत की हार के बाद लगातार ढेर सारे कमेंट्स किए गए थे। इतना ही नहीं, शोएब ने तो शुरुआत में ही ये कह दिया था कि भारत विश्व कप से बाहर हो जाएगा। शमी का ये जवाब इस तरह से भी लिया जा सकता है कि भारत जब एडिलेड के मैदान पर इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल हारा था, तब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने इंडियन टीम का खूब मजाक बनाया था। पाकिस्तानी पीएम ने तो यहां तक कह दिया था कि फाइनल मुकाबला 152/0 और 170/0 टीम्स के बीच है। उन्होंने भारत को ट्रोल करते हुए ये कमेंट किया था क्योंकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। वहीं पिछले साल हुए T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। और इस तरह की हरकतों के बाद शमी की बात बिल्कुल सही लग रही है। पाकिस्तान फैंस ने फाइनल में पहुंचकर अपनी टीम की खुशी मनाने से ज्यादा वक्त भारत को ट्रोल करने में लगाया था, लेकिन अब वो भारत को कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि अब उनकी खुद की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई है। मैच में क्या हुआ, मैच की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ और पाकिस्तान की टीम 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। टीम के लिए शान मसूद ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड के लिए सैम करन ने 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। जवाब में खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 138 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा नाबाद 52 रन बनाए, वहीं कप्तान बटलर ने 26 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 2 विकेट हासिल किए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, इस वीडियो को शूट किया है मोहन ने और मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। सवाल जो बेहतर बनाते हैं दुनिया को, तोड़ते हैं बंधे बंधाए फर्मों को, सवालों से बनती है सुधार की गुंजाइश और तय होती है जिम्मेदारियां। ना तो मीटर है ना अनुप्रास की छता है, यही सवाल आपके भी काम आते हैं जब आप लल्लन टॉप पर क्विज खेल जीतते हैं नाम। लेकिन इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ होंगे आप और हम। लल्लन टॉप अड्डे पर आमने सामने खेली जाएगी क्विज बैरिटोन। मौके पर दीजिए जवाब और मौके पर जीतिए नाम। 18, 19 और 20 नवंबर को लल्लन टॉप अड्डे में पहुंचना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। बाकी जानकारी ऐप पर।